मेरी मैसेज है, मुन्नी देवी शर्मा, मेरा नाम है बावनलाल शर्मा। ये 12 फरवरी को अपनी भाई की लड़की की शादी में जयपुर आई थी, मैं चला गया था आसाम। सडनली 8 फरवरी को इसको बेहोशी छा गई, तो इनके जो भाई है, भाभी है, ये लेके मोनोलेक हॉस्पिटल गए, वहाँ सीटी स्कैन वगैरह किया। उन्होंने बोला हमारे पास ये सुविधा नहीं, आप इमीडिएट दुर्लभ जी चले गए। यहाँ आए, डी पी शर्मा साहब से कंसल्ट किए, शाम को 6:30 बज गए। डी पी शर्मा साहब ने अपने असिस्टेंट कोर को बोला कि ये टेस्टिंग वगैरह करना करवाए। डी पी शर्मा साहब आए, रात को 8:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया था। वहाँ सर में 3 क्लॉट आ गया था, लेफ्ट साइड में लकवा पूरा लकवा आ गया था। डी पी साहब शर्मा साहब ने ऑपरेशन करने के बाद में मेडिसिन वगैरह शुरू कर दी, तो धीरे 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 लेफ्ट साइड से हाथ खड़ा करना, पांव से चलना शुरू कर दिया था। और अभी लकवे की शिकायत दूर हो गई, अपना खुद चल रही है, फिर रही है, अपना खाना बना लेती है, अपना छोटा मोटा अपना जो काम है वो कर लेती है। ब्रेन में भी अभी ठीक है, बातचीत कर लेती है, बातचीत फ़ोन पे और ये सब बातचीत कर लिया, चलना फिरना इनका एकदम सही चल रहा है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि शादी में ये आई हुई थी, अदरवाइज अगर हम अपने गांव तवरा से यहाँ आते हैं तो कम से कम 4 घंटा लगता है। 4 घंटा में पेशेंट की क्या हालत होती है ये आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो 2 घंटे में ही सारा काम हो गया और इनको सही जगह ट्रीटमेंट मिल गया। अदरवाइज डॉक्टर साहब का कहना था अगर आप लेट आते हैं तो राइट साइड में भी ये लकवे की शिकायत आ जाती, क्योंकि लेफ्ट साइड में ब्लॉक हो गया, ब्लड आगे सर्कुलर पास नहीं हो रहा है, तो दोनों साइड में अगर लगते हैं किसी गैट आ जाती है तो कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मालिक का धन्यवाद है कि इमीडिएट हम लोग जयपुर में थे और जयपुर में ही आकर के दुर्लभ जी में आ गए, डी पी शर्मा साहब का इलाज शुरू करवा दिया। तो आज मेरी मिसेज चल रही है, अपना खुद का काम कर रही है, खाना बना लेती है, कपड़े अपना काम धो लेती है, फ़ोन से बात कर लेती है, इधर उधर टहल लेती है। अदरवाइज़ मैंने कई पेशेंट को देखा है वो यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो आज उनकी हालत ही है। मेरे गाँव का एक पेशेंट है, वो आज 4 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ना हाथ हिल रहा है, ना पांव हिल रहा है, ना वो बोल सक रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें एकदम सही टाइम पे पहुँच गए, हमारा इलाज डी पी शर्मा साहब अच्छे से अच्छा इलाज किया। और आज मेरी मैसेज आपके सामने, सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसे आप महसूस करोगे मेरे हाथ में, पाँव में, सर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, तो आप इमीडिएट अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि उसका आपको सही इलाज हो जाए। अगर आप यहाँ वहाँ घूमोगे तो फिर आपके लिए भी परेशानी है, आपके परिवार के लिए भी परेशानी है। मेरी मैसेज जयपुर आई हुई थी, अचानक इसके हाथ पाँव में क्लॉट, सर में क्लॉट आ गया, हाथ पाँव काम करना बंद कर दिया, मैं तो इमीडिएट दुर्लभ जी आया, इलाज करवाया। आज मेरी मैसेज चल रही है, अपना खुद का काम कर लेती है, यहाँ तक कि हमें हेल्प कर देती है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू है, सब अपने हाथ से कर लेती है, अपना अपनी दिनचर्या अपना सारा काम ये खुद कर लेती है। ये तभी संभव हुआ जब हम एकदम टाइम पर पहुँचे, और अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचते, लेट करते तो सही हो सकता है राइट साइड इसका कमजोर, राइट साइड भी अगर कमज़ोर हो जाता, लेफ्ट साइड तो कमज़ोर था, राइट साइड कमज़ोर हो जाता तो एक तो पैसे की हानि और एक पेशेंट की हानि दोनों हो सकती थी। लेकिन टाइम पे पहुंचने से इसका इलाज सही टाइम पे हो गया, आज मेरी मिसेज तंदुरुस्त है, अपना खुद का घर का काम सारा कर रही है।